हेलो एवरीवन, दिस इज स्वप्निल एंड यू गाइस आर वाचिंग स्लर्पी ट्रैवलगैज़म आर्ट स्पेस। तो आज मैं लौट आया हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल के साथ। वेल, ये जो इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल है विच इज़ बेसिकली द पेपर कट इफेक्ट, एंड आई थिंक आप लोगों ने इसके बारे में काफ़ी सुना और काफ़ी कुछ देखा होगा, बट दिस इज़ अ बिगनर वीडियो जहाँ हम शुरुआत करेंगे कि कैसे हम लोग इस चीज़ को अप्लाई करते हैं with the new, you know, the stylized effects that we already have in Illustrator. And आगे आने वाले tutorials में मैं आपको इसी effect को use करते हुए I'll help you and I'll tell you कि हम लोग कैसे नए नए backgrounds design कर सकते हैं. So without more ado, let's get cracking. सो यहाँ जो मैं कैनवस साइज़ यूज़ कर रहा हूँ विच इज़ इट इज़ दी फुल एच डी साइज़ 1920x1080 पिक्सल्स एंड इन लैंडस्केप मोड आप कोई सा भी साइज़ यूज़ कर सकते हैं, इट हार्डली मैटर्स। तो यहाँ अभी मैंने बैकग्राउंड नहीं क्रिएट किया है, मैं ओरिजिनली जो अवेलेबल वाइट है उसे ही यूज़ कर रहा हूँ, एंड उसका रीज़न मैं आपको आगे बता दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट आइकन यूज़ करके या फिर टेक्स्ट टूल यूज़ करके हम लोग अपना टेक्स्ट लिख लेते हैं। डिज़ाइन इज़ गोइंग टू बी द वर्ड, एंड मैंने जो यहाँ पर फॉन्ट यूज़ किया है द फॉन्ट स्टाइल इज़ अमोर मियो, वो आपको आई गेस इलस्ट्रेटर में अवेलेबल नहीं है शायद। आई थिंक ये ओपन टाइप फॉन्ट्स हैं जो मैंने गूगल से डाउनलोड किए थे, सम ऑफ द ओपन टाइप फॉन्ट्स वाली साइट्स हैं, आपको उस पर से मिल जाएगा। साइमल्टेनियसली हम लोग टेक्स्ट को कोई कलर दे देंगे, मैंने स्वाचेस से कोई सा भी कलर उठाया है, तो आप भी कोई भी चूज़ कर सकते हैं, इट हार्डली मैटर्स, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला जो चीज़ हम आगे करने वाले हैं। With that being done, we'll create outlines. Create outlines करने से हमें ये फ़ायदा होगा कि हम लोग फिर individually इन पर काम कर सकते हैं। So सबसे पहले मैं क्या करूँगा, I'll create some spacing between them. मैंने जो ये थोड़ा font style use किया ये उतना ज़्यादा broad नहीं है, right? तो उतना spacing नहीं है तो letters के बीच में, and in order to show you the effect हमें उतना spacing चाहिए। So मैं इतने जल्दी से spacing create कर लेता हूँ। तो हमारा टेक्स्ट भी डिसाइड हो चुका है एंड हम उसमें स्पेसिंग्स भी कर चुके हैं। सो नाउ व्हाट वी विल डू, वील गो टू द इफेक्ट्स पैनल, वहाँ पर हम स्टाइलाइज में जाएंगे एंड उसमें हम क्लिक करेंगे ड्रॉप शैडो में। ड्रॉप शैडो इज़ द इफेक्ट जिसके थ्रू हम ये पेपर कट का इफेक्ट या ये अपीयरेंस दे पाते हैं। तो ड्रॉप शैडो का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा एंड उसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, यू विल क्लिक ऑन द प्रीव्यू बटन जिससे आप चेंजेस देख पाएँ जो आप कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्लर का इफेक्ट क्या है, कि अगर आप ब्लर रिड्यूस कर देंगे तो बहुत स्टार्क शेडोज़ आ जाएंगी एंड वो स्टार्क शेडोज़ उतनी रियलिस्टिक फिर लगती नहीं है, तो इसलिए हम थोड़ा सा ब्लर रखते हैं। एंड देन दी ऑफसेट वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई विल टेल यू कि आप एक्स और वाई में उस ड्रॉप शेडो, मतलब उस शेडो को आप किस डायरेक्शन में कितना मूव करना चाहते हैं, लाइक द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, प्लस राइट की तरफ, नेगेटिव लेफ्ट की तरफ, एंड वो सब हम अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें कोई रीज़न नहीं है कि आप जितना चाहे उतना मूव कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि इतना ज़्यादा ना करें कि बहुत ही ऑड लगे। एंड ऊपर जो ओपेसिटी का ऑप्शन है दैट एक्चुअली टेल्स कि विजिबिलिटी, या फिर ये कहें कि कितनी हार्डनेस है उस शेडो की। सो वो जो शेडो है वो कितना विजिबल होगी, तो मैंने 70 के अराउंड रखा है, 50 to 70 समथिंग विच लुक्स विजिबल इनफ फॉर आर डिज़ाइन, तो आप अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। एंड हमेशा से आपका जो इनबिल्ट इसमें आपको मिलेगा वो मल्टीप्लाई मोड है विच वर्क्स परफेक्टली फॉर प्रोड्यूसिंग दिस इफेक्ट। तो ये सब सेटिंग्स आप अपने हिसाब से भी चेंज करके देख सकते हैं, दैट विल एक्चुअली टेल यू अ लॉट अबाउट, मतलब आपको समझ आ जाएगा पेपर कट के बारे में, आप जितना खुद चेंजेस करके देखेंगे। एंड हिट ओके। ये बेसिकली जो आप बैकग्राउंड देख रहे हैं या फिर वॉलपेपर की तरह जो आपको दिख रहा है, दिस इज़ सोली क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ दिस ड्रॉप शेडो और द पेपर कट इफेक्ट। एंड मैं फ्यूचर में आने वाले ट्यूटोरियल्स में आपको ये डेफिनेटली सिखाने वाला हूँ, दैट्स वाई मैंने पहले ही मैंशन कर दिया था कि काफ़ी बिगनर लेवल वाला है, बट आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। सो डू गिव इट अ ट्राई, कुछ ऐसी रैंडम शेप्स बनाकर देखें कि आप किस तरीके से इफेक्ट शेडोज़ का क्रिएट कर सकते हैं। एंड इन द मीनवाइल आई विल गेट रेडी विद अनदर ट्यूटोरियल जिसमें मैं आपको ये बैकग्राउंड बनाना सिखाऊंगा। सो दैट्स इट फॉर नाउ, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोज कैन रीच यू ऑन टाइम। सो दैट्स इट फॉर नाउ, सो कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।